हेलो फ्रेंड्स, इंडियन बॉडी बिल्डर के बारे में एक और दिलचस्प वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन इंडियन बॉडी बिल्डर के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया को साबित किया कि वेजिटेरियन के रूप में वे अभी भी पुरस्कार जीत सकते हैं और बॉडी बिल्डिंग में सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेजिटेरियन होने से मस्कुलर बॉडी को बनाने में मदद नहीं होती और केवल मांस खाने से ये संभव है। यहां हम 6 भारतीय वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स पेश कर रहे हैं जिन्होंने दिखाया कि वेजिटेरियंस होने के कारण वे मस्कुलर बॉडी और स्ट्रॉन्ग फिजिक का निर्माण भी कर पाए हैं। सुशील कुमार सोलंकी। सुशील कुमार एक इंडियन वेजिटेरियन फ्रीस्टाइल रेसलर और इंडिया के लिए 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। 1983 में दिल्ली के बबरोला में पैदा हुए सुशील कुमार भी एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है। वे अपने पिता दीवान सिंह, जो कि खुद एक रेसलर थे, और उनके कजिन संदीप से रेसलिंग लेने के लिए प्रेरित थे। उन्होंने मॉर्निंग मील में कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, बटर टोस्ट और जूस शामिल किया। उनके दोपहर के भोजन और रात के भोजन में 2 पराठा, सीजनल वेजिटेबल्स और 1 कप दही होता है। प्रोटीन रिच सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स उनके डाइट का हिस्सा हैं। उन्होंने 1998 से 2018 के बीच भारत के लिए कई चैंपियनशिप और गोल्ड मेडल जीते हैं। उन्होंने अपने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट से भारत को रेसलिंग स्पोर्ट्स में गौरवान्वित किया है। वरिंदर सिंह घुमान। वरिंदर सिंह एक इनोवेटिव इंडियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं जो अपने मैसिव बॉडी फ्रेम के लिए जाने जाते हैं। वरिंदर सिंह एक पंजाबी खेती समुदाय से आए हैं। वरिंदर गायों द्वारा उत्पादित पहला दूध पीते थे जिससे हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, विटामिन्स और ग्रोथ हार्मोन होते हैं। शुद्ध शाकाहारी होने के नाते वरिंदर सिंह ने एग भी नहीं खाया। गाय के दूध के अलावा उन्होंने आहार में दाल, पराठा, ग्रीन सैलेड, दही और लस्सी शामिल किया। अपने यंग एज में उन्होंने एक आशाजनक क्रिकेटर के रूप में शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी तरह बॉडी बिल्डिंग को ही समर्पित किया। 2009 में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में भाग लिया और मिस्टर इंडिया टाइटल जीता। उन्हें मिस्टर एशिया में 2 स्थान प्राप्त हुआ। बर्नोल्ड क्लासिक यूरोप के टॉप कंटेंडर्स और बॉडी बिल्डिंग के इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पहुंचने वाले फर्स्ट एशियन हैं। उनके बिग बॉडी और मैसिव मसल्स मास ने उन्हें अर्नोल्ड स्विजनेगर सिग्नेचर जिम और फूड सप्लीमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडरशिप के रूप में रिप्रेजेंट किया, जो पहले और एकमात्र इंडियन हैं। संग्राम सिंह। संजीत कुमार, जिसको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के रोहतक से संजीत कुमार एक इंडियन रेसलर, अभिनेता, ब्रांड एम्बेसडर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वे एक आर्थराइटिस पेशेंट थे जिसने अपने अधिकांश बचपन को व्हीलचेयर पर बिताया था। बाद में संग्राम सिंह वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बन गए। प्योर वेजिटेरियन के रूप में संग्राम सिंह को मिल्क, कर्ड, दाल, वेजिटेबल्स और नट्स से प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, लेकिन 3 साल की उम्र में उन्हें आर्थराइटिस से डायग्नोस किया गया और अपने चाइल्डहुड के 4 साल को व्हीलचेयर पर बिताया। बाद में संग्राम एक रेसलर बन गए और साउथ अफ्रीका में 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया और वर्ल्ड्स बेस्ट रेसलर टाइटल और अन्य कई पुरस्कार भी जीते। हमने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में संग्राम सिंह की वीडियो बायोग्राफी की लिंक भी प्रकाशित की है। हीरालाल ढिल्लन। हीरालाल ढिल्लन 8 बार पंजाब चैंपियन के विजेता और 2 बार मिस्टर इंडिया और 2011 में मिस्टर यूनिवर्स टाइटल जीत चुके हैं। 1977 में पैदा हुए हीरालाल पंजाब के कपूरथला से एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं।
उन्होंने नॉन वेजिटेरियन के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने रिलीजियस बिलीफ के कारण नॉनवेज भोजन छोड़ दिया। नॉनवेज छोड़ने के बाद उन्होंने अपने वेजिटेरियन डाइट से 10 किलो वजन प्राप्त किया। इस परिवर्तन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्होंने अपने शरीर को वेजिटेरियन डाइट के साथ बिल्ड करने का फैसला किया। उनके डाइट में मुख्य रूप से सोयाबीन्स, दाल, लस्सी और कर्ड होते थे। वो मुख्य रूप से बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक प्रोटीन की सप्लीमेंट्स के लिए प्लांट प्रोटीन पर निर्भर हैं। उन्होंने 2012 में मिस्टर ओलंपिया एमेच्योर में सिल्वर मेडल जीता और 2012-13 में भी अर्नोल्ड क्लासिक एमेच्योर में सिल्वर मेडल जीता था। हमें याद रखना होगा कि उन्होंने 23 ईयर के बाद भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता था। करुप्पनन वेंकटेशन। करुप्पनन वेंकटेशन एक फॉर्मर मिस्टर इंडिया है जिन्होंने नेचुरल ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ये एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर के लिए एक एक्सक्लूसिव कंपटीशन थी। वेंकटेशन तमिलनाडु के मदुराई से एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। वो एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं जो मिल्क भी नहीं पीते थे। वेंकटेशन के डाइट में ज्यादातर सांबा वीट, वेजिटेबल्स, रगी, ग्रेन्स और फ्रूट्स शामिल थे। साउथ इंडियन होने के बावजूद उन्होंने अपने डाइट में चावल और दूध छोड़ दिया था। वेंकटेशन 23 डिफरेंट वैरायटीज के नट्स खाते थे और बॉडी को फिट रखने के लिए योग भी करते थे। 2013 में उन्होंने 37 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में सैन डियागो में नेचुरल ओलंपिया मल्टी स्पोर्ट एक्सपो वीकेंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2015 में उन्होंने लास वेगास में आयोजित नेचुरल ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। प्रोफेसर कॉलर वेंकटेश अय्यर। प्रोफेसर कॉलर वेंकटेश अय्यर एक फिजिशियन जिन्होंने आजादी से पहले भारत में बॉडी बिल्डिंग की क्रांति शुरू की थी। कई लोग प्रोफेसर अय्यर के बारे में ज्यादा नहीं जानते जो 1898 और 1980 के बीच रहते थे। प्रोफेसर अय्यर ने मनोहर एच, मनोतोष रॉय, प्रेमचंद डोगरा और अन्य कई लोगों की तरह एक फेमस और लेजेंडरी इंडियन बॉडी बिल्डर थे। कर्नाटका में बेंगलोर के निवासी प्रोफेसर अय्यर एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे और कभी अल्कोहल भी नहीं पीते थे। अपने भोजन में वो बहुत सारे ग्रीन्स, वेजिटेबल, पराठा, रगी, अनपॉलिश्ड रेड राइस, बटर मिल्क और फ्रूट्स खाते थे। बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कंसिडर करते हुए 1940 में उन्हें एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अय्यर ने दुनिया को दिखाया कि इंडियंस भी वेजिटेरियन के रूप में बॉडी बिल्डिंग में सफल हो सकते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे ये जानते हुए कि 1935 में बेंगलुरु में हरक्यूलिस जिम्नेजियम नामक एक जिम स्थापित करने वाले पहले इंडियन थे। हमें कुछ तो इन पर गर्व होना ही चाहिए। दोस्तों याद रखें, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स में अगर आप चाहें वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन रहें, आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट, डेडिकेशन और राइट डाइट की आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे बताएं इन वेजिटेरियंस बॉडी बिल्डर में से आप पहले किसकी बायोग्राफी देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद।